लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत। अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है, अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे काम करने का अधिकार हो या स्थानीय प्रशासन में शामिल होना हो। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में अधिकार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार बनाने और चलाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के हित में काम करें एवं लोगों के प्रति जवाबदेह हों। यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले हों तो केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा। अधिकार न हो तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां और कानून एक तरफ हो जाती हैं, लोगों को इन पर विचार रखने व इन्हें बदलने के अवसर नहीं होते। यदि कहीं भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न हों तो शासन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार व उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरूरी हैं, इसलिए लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, जैसे संगीत, नृत्य, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है, हमें जीवन में सूझबूझ के साथ चलने में सक्षम बनाता है। अर्थात अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएं या सुविधाएं हैं, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ। अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरह समझे जाते हैं, वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिति नहीं है और न ही इनका विकास एक दिन में हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं के विचार, समझ और विकास में बदलाव के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहा है तथा इनका दायरा भी बढ़ता गया है। अधिकार आमतौर पर उस स्थिति में ही अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता, तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में लोगों का राज्य के प्रति दावा नहीं बनता। उदाहरण के लिए सन 2002 में भारत की संसद ने संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी स्वीकृति दी। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग उसे स्वीकार कर सकें। अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इंग्लैंड में वहां के राजा ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है।